आदाब, मैं हूँ अलीजा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। ब्लैंक दिवस पर कुल मामले 16, जिसमें मौके पर 13 मामलों का निस्तारण। खबर बलिया जनपद के बेलथरा रोड से। सीएल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह के निर्देश पर प्रत्येक महीने के प्रथम बुधवार व तृतीय बुधवार को ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत की समस्या से संबंधित आवेदन पत्र दे सकता है। ब्लॉक दिवस व ब्लॉक के समस्त अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। सितंबर माह के प्रथम बुधवार को खंड विकास अधिकारी सीआर मधुचंदा सिंह की अध्यक्षता में कुल मामले 16 आए, जिसमें मौके पर 13 मामलों का निस्तारण कर दिया गया। खंड विकास अधिकारी सीआर ने बताया कि आज के मामले अधिकतर पेंशन व गांव के विकास को लेकर मिले थे। पर्चे बताते हुए, मैं खंड विकास अधिकारी, विकास खंड सीआर। आज देखा जा रहा है कि पूरे ब्लॉक दिवस के अवसर पर काफी महिलाओं समेत काफी दूर गांव से, लगभग 94 गांव से, हर गांव से कुछ ना कुछ लोग आ रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? आज बुधवार है, तीसरा ब्लॉक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें जो आम जनता है वो अपनी समस्याओं को लेकर के आ रही है और उसका मौके पे ही प्रयास किया जा रहा है कि निस्तारण कर दिया जाए। आज के कितने आवेदन पत्र आए हैं? आज अभी तक तो लगभग 15 हैं, जिसमें 13 का निस्तारण कर दिया गया मौके पर ही। बिल्कुल सर, आज का मुख्य में 15 में मुख्य कौन सा ऐसा विषय था जो कि पुराने समय से लंबा रहा था, लंबित था? कुछ तो निर्माण काम से संबंधित है, कुछ परिवार रजिस्टर से संबंधित है, इसी तरह की पेंशन और समस्याएं हैं, शादी अनुदान का है, इस तरह का है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनरेगा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी एपीओ कामेश्वर सिंह ने बताया। पर्चे बताते हुए आप। मैं कामेश्वर सिंह, एपीओ विकास खंड। आज जो है महिला मेट दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। आज देखा जा रहा है कि ब्लॉक दिवस में काफी महिलाएं इब्राहिम पट्टी से लेकर कूढ़ा तत्रा तक, कूढ़ा से लेकर सोनाड़ी तक, जो आपके पूरे 1294 ग्राम पंचायत हर कोने कोने से आई है, अपने एक उद्देश्य लेकर के, आखिर में क्या उनका उद्देश्य था? और विशेष तौर से मनरेगा में महिला मेट का एक नीति आई है, उसका क्या उद्देश्य है बताने का? महिला मेट जैसे जानते हैं कि जो है सरकार की प्राथमिकता है कि स्थानीय स्तर पर भी मनरेगा मजदूरों के साथ साथ इनको भी रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिसमें 20 से अधिक श्रमिक नियोजित होने पर कार्यस्थल पर इनको भी उनमें रोजगार दिया जा रहा है मेट के स्वरूप। तो यहाँ पे मेट काफ़ी एक्टिव हैं और अपना काम धाम अच्छे से कर रही हैं, तो इसलिए जो महिला मेट दिवस के रूप में भी आज ये मनाया जा रहा है, इसलिए आपको काफ़ी महिलाएं दिख रही होंगी जो महिला मेट हैं। इससे आपके रोजगार सेवक को कुछ कार्य करने में आसानी होती होगी? उनके बिल्कुल हैंड सही हैं और उनको हैंड्स के रूप में ये सहयोग कर रही हैं। आपके मनरेगा कार्य का जो विकास कार्य होता होगा जी, लक्ष्य जो आपके मनरेगा का होगा और ऊंचा होता हुआ होगा? हाँ, लक्ष्य का इनके हैंड होल्डिंग का एक हो गया, हमारे लिए एक और हैंड होल्डिंग का काम पड़ गया, मतलब स्थानीय स्तर पर और भी कार्मिक हमारे पड़ गए। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।